नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है नॉइस फिट इवॉल्व 3 जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है 3499 में। ये आपको नॉइस की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी 3399 में। तो मेरे हिसाब से अगर ये वॉच आपको 3499 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है, आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। यह है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच विद राउंड डायल। इसमें आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ। बात करते हैं इसके दूसरे मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 500 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इसमें है 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन 326 ppi के साथ, तो डिस्प्ले काफी ब्राइट है और शार्प है। ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट मॉनिटर, IP68 वाटर असिस्टेंट, मतलब कि आप पानी में इस वॉच को 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। 100 स्पोर्ट्स मोड है, 100 प्लस वॉच फेसेस। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर। यूजर मैनुअल, वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड, वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है इस कार्ड में बताया गया है। आपको इस वेबसाइट पे विजिट करके अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और फॉर्म को सबमिट करना है, आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। हालांकि आप ऐप के जरिए भी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो, हम इस वीडियो में ऐप के जरिए ही वारंटी को एक्टिवेट करेंगे। ये है नॉइस के स्टिकर्स, मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है, ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है। इसमें है 300 mAh की बैटरी और इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे, आपको मिलेगा 7 दिन का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। आप चार्जिंग करने के लिए 5 वॉट या 10 वॉट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो यूएसबी पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो वॉच दिखने में काफी बढ़िया है। 2 बटन्स दिए गए हैं राइट साइड में। ये जो डायल है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का है, लेकिन डायल के ऊपर में दी गई है स्टेनलेस स्टील की रिंग, आप टच करोगे तब आपको फील होगा। इसके अलावा ये काफी लाइट वेट है, ओनली 31 ग्राम इसका वेट है। इतना लाइट वेट होने के बावजूद इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और स्ट्रांग फील होती है। ये जो स्ट्रैप्स है सिलिकॉन के है 22 mm के, जो काफी अच्छी क्वालिटी के है। ऊपर में प्लास्टिक का बकल दिया गया है और एक स्ट्रैप होल्डर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, हार्ट रेट एंड SpO2 सेंसर, यहां पे स्पीकर ग्रिल और ये रहा माइक। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो, रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के पिन को पहले इंसर्ट करना है नीचे, फिर ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और ऊपर में इंसर्ट करना है इस तरीके से। फर्स्ट टाइम इसे स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो इसके लिए आपको ऊपर वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जब नॉइस का लोगो दिखाई देगा तब आपको उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच जो है स्विच ऑन हो चुकी है, अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है नॉइस फिट। नॉइस फिट इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, बॉक्स में टिक कीजिए एग्री एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू आप 2 तरीके से लॉग इन या साइन अप कर सकते हो, आपके जीमेल अकाउंट से या फिर किसी भी ईमेल अकाउंट से। तो मैं करूंगा किसी भी ईमेल अकाउंट से, तो मैं ईमेल पे टैप करूंगा। आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पे एंटर करनी है और फिर करना है कंटिन्यू। आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, आपको उस ओटीपी को एंटर करना है और फिर करना है कंटिन्यू। व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। यहां पे आपको शो करेगा आपकी वॉच का नेम नॉइस फिट इवॉल्व 3। अगर नाम शो नहीं कर रहा है तो आपको स्कैन के बटन पे टैप करना है, आपके फोन में कैमरा ओपन होगा, फिर आप उस कैमरा से इस कोड को स्कैन कर सकते हो, उसके बाद आपकी वॉच पेयर हो जाएगी।
लेकिन अगर नाम शो कर रहा है तो आपको इस पर टैप करना है। आपकी वॉच में आएगा एक कंफर्मेशन मैसेज, आपको उस पर टिक करना है। पहले यहां पे करना है पेयर, ताकि आप अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को भी ऑन कर सको। अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। फिर आपको करना है टिक पे टैप अपनी वॉच में, करना है स्टार्ट यूजिंग और यहां पे करना है गेट स्टार्टेड। थोड़ा वेट कीजिए, इसके बाद आपकी वॉच पेयर हो जाएगी। डेटा सिंक होने दीजिए। हमने कॉलिंग के फीचर को ऑन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हुआ तो आपको करना है प्रोसीड पे टैप। यहां पे होना चाहिए इवॉल्व 3 कॉलिंग, ये पेयर होनी चाहिए। अगर पेयर नहीं होती है तो आपको उस पर टैप करना है और करना है पेयर। तो यहां पे लिखा होगा कनेक्टेड टू फोन ऑडियो, मतलब कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइस के सेटिंग्स की, तो आपको माई डिवाइस के टैप पे टैप करना है। बैटरी लेवल पे टैप कीजिए। चेक फॉर अपडेट्स, तो अगर इस वॉच के लिए कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा तो यहां पे शो करेगा। आप चाहो तो यहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और बाद में है वारंटी रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है, आपको वो ऐप या वेबसाइट को करना है सिलेक्ट। मैंने इसे परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, तो मैं करूंगा फ्लिपकार्ट। फिर आपको अपनी वॉच का सीरियल नंबर एंटर करना है। आप डायरेक्टली स्कैन करके भी एंटर कर सकते हो, हम करेंगे स्कैन। उसके लिए आपको बॉक्स पे फाइंड करना है सीरियल नंबर, तो आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ NSW। आपको इसी कोड को स्कैन करना है, तो हम करेंगे कोड के बटन पे टैप व्हाइल यूजिंग दी ऐप, और इस कोड को हम करेंगे स्कैन। तो जो सीरियल नंबर है वो एंटर हो चुका है। फिर आपको करना है सबमिट पे टैप। आपके स्मार्ट वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो चुकी है। नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन अनपेयर डिवाइस, आपको इसे 3 केस में करना है। अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको इस वॉच को यूज नहीं करना है, अगर आपको किसी दूसरे वॉच को पेयर करना है आपके फोन के साथ, तभी आपको इसका यूज करना है। बाकी केस में आपको इसका यूज नहीं करना है। अगर आप इसे यूज करोगे, इसका मतलब है कि आपको फिर वापस पेयर करना पड़ेगा पहले की तरह अपनी वॉच को यूज करने के लिए। फिर जैसे आप बैक जाओगे तो आपको मिलेगा वॉच फेस का ऑप्शन, तो यहां से आप वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वॉच फेस पे टैप करना है। आपको मिलेंगे यहां पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे कि कस्टम, इलुस्ट्रेशन, क्रोनोग्राफ, मिनिमल एनालॉग, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्री, स्पेस, स्पोर्ट्स, टेक, नेचर और मिनिमल डिजिटल। इसमें टोटल है 150 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस कैटेगरी में से वॉच फेस को डाउनलोड करना है, आपको उस कैटेगरी के नाम पे टैप करना है। जैसे कि मान लो मुझे डाउनलोड करना है इलुस्ट्रेशन में से, तो मैं इस पे टैप करूंगा और मैं करूंगा डाउनलोड इस वॉच फेस को, तो मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा अपडेट वॉच फेस। तो वॉच फेस जो है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो यहां पे। आप अपनी फोटो भी सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, तो आपको जाना है वॉच फेस के होम पेज पे और आपको ऊपर मिलेगा कस्टम का ये ऑप्शन, आपको क्रिएट नाउ पे टैप करना है। आपको मिलेंगे 3 स्टाइल्स, पहले में टाइम टॉप में शो करेगा, दूसरे में बॉटम में और तीसरे में लेफ्ट साइड में। तो आपको जो वॉच फेस स्टाइल चूज करनी है आपको उस पर टैप करना है। गैलरी पे टैप कीजिए, गैलरी को ओपन कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है वॉच फेस पे, आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो और इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम का जो कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर सेट करना है उस पर टैप कीजिए और फिर करिए अपडेट वॉच फेस। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे, जो वॉच फेस है अप्लाई हो चुका है। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पर टैप करना है। ऐप नोटिफिकेशन, आपको इस पर टैप करना है। अलाउ कीजिए, नॉइस फिट को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। ऐप नोटिफिकेशन पे आपको फिर से टैप करना है, इसे ऑन कीजिए। आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ ऐप्स जो आप इन्हें कर सकते हो सिलेक्ट, लेकिन अगर आप चाहो तो सभी ऐप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैनेज पे टैप करना है, ऑल पे टैप कीजिए। जिन किसी ऐप्स की नोटिफिकेशन आप चाहते हो अपनी वॉच में रिसीव करना, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। तो मैंने कुछ ऐप्स को सिलेक्ट कर लिया है,
फिर आपको करना है सेव पे टैप। अब जो भी एप्स आपने सिलेक्ट किए हैं उन ऐप से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप अपनी वॉच में भी उसे रीड कर पाओगे। हालांकि आप सभी ऐप्स को यहां पे सेट कर सकते हो, लेकिन सभी ऐप्स को अगर आप सेट करोगे मतलब कि आपकी वॉच में बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। जितनी ज्यादा नोटिफिकेशन आएगी आपकी वॉच में उतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन होती है, तो जो काम के आपको उन्हीं को ऑन करना है। बैक जाइए, आगे है एसएमएस अलर्ट, तो आपको इसे भी करना है ऑन। अलाउ कीजिए परमिशन को, बैक जाइए और फिर है माय रिमाइंडर्स, तो जो भी आपके इवेंट रिमाइंडर है जैसे कि किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या ऐसा कोई दिन जो आप भूलना नहीं चाहते तो आप उसका रिमाइंडर यहां पे सेट कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, आप एक साथ यहां पे 5 रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो, तो आपको ऐड रिमाइंडर पे टैप करना है। यहां पे टैप करके लेबल देना है, जैसे कि मान लो बर्थडे के लिए तो मैं टाइप करूंगा बर्थडे। इसके अलावा डेट आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, फिर टाइम, आवर, मिनट, एएम, पीएम और फिर करिए सेव। फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए, लेबल दीजिए, डेट टाइम सेट करिए और करिए सेव। इनमें से अगर आपको किसी भी रिमाइंडर को रिमूव करना हुआ तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो। जो भी रिमाइंडर आप सेट करोगे आप उन्हें देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी ये रिमाइंडर का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा इवेंट का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ, तो आपको करना है सेव पे टैप। आगे है कॉल अलर्ट, तो आपको इसे ओपन करना है। कॉल अलर्ट को ऑन कीजिए ताकि आप अपनी वॉच में कॉल को रिसीव कर सको। आपको अलाउ पे टैप करना है परमिशन को अलाउ करने के लिए। कॉलिंग के फीचर को हमने पहले ही ऑन कर लिया था इसीलिए ये पहले से ऑन है। आपको एक चीज याद रखनी है, कॉलिंग का फीचर आपकी वॉच में तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी, मतलब कि दोनों डिवाइस 10 मीटर के रेंज में होने चाहिए। अगर 10 मीटर के रेंज के बाहर है तो कॉलिंग का फीचर वर्क नहीं करेगा। इस वॉच में कॉलिंग के लिए यूज की गई है ट्रू सिंक टेक्नोलॉजी, मतलब कि इसमें आपको मिलेगा ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग। इसके होते हैं 3 फायदे। आप अपनी वॉच को क्विकली पेयर कर सकते हो, फास्टर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी और कॉलिंग के दौरान बैटरी कंजप्शन काफी कम होगा। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से कॉल रिसीव होगा, रिंग बज रही है वॉच में भी और फोन में भी। हालांकि आप इन दोनों रिंग को म्यूट कर सकते हो पहले ऑप्शन के जरिए, तो यहां पे भी रिंग ऑफ हो जाएगी और फोन में भी। और इसके बाद ये जो फीचर है ये है क्विक रिप्लाई सेंड करने का, तो आप इस पे टैप करके अपने जो रिप्लाई है देख सकते हो जो भी आपने सेट किए थे आपके ऐप में। अगर आपको किसी को भी सेंड करना हुआ तो आप उस पर टैप करके सेंड कर सकते हो, कॉल हो जाएगा कट और सामने वाले को जो मैसेज है वो रिसीव हो जाएगा, आपने जो भी रिप्लाई सेंड किया है वो मैसेज। कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा। इसके अलावा ये है कॉल को कट करने का और ये है कॉल को रिसीव करने का। आप टैप करके इस तरीके से कॉल को रिसीव कर सकते हो और फिर एंड करने के लिए। अगर मान लो आपको कुछ समय के लिए अपनी वॉच में कॉलिंग के फीचर को यूज नहीं करना है, आप चाहते हो कॉल मुझे शो करे किसका कॉल आ रहा है मुझे देखना है लेकिन मुझे कॉल को अपनी वॉच में रिसीव नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आपको जाना है आपके फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बीपे लॉन्ग टैप कीजिए और जो इवोल 3 कॉलिंग ऐसा लिखा हुआ है उसके सामने गियर का आइकन होगा, आपको उस पर टैप करना है और कॉल्स को करना है ऑफ। अब कॉल आएगा तो आपको शो करेगा लेकिन आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आप देख पा रहे हो यहां पे आपको वही मिलेंगे 4 ऑप्शन, लेकिन जो रिसीव करने का ऑप्शन है वो डिसेबल है क्योंकि मैं अब कॉल को रिसीव नहीं कर सकता। हालांकि आपके फोन में जो रिंग बज रही है उसे आप म्यूट कर सकते हो, ऐसे में आपकी वॉच में रिंग नहीं बजेगी, केवल आपकी वॉच होगी वाइब्रेट। लेकिन अगर फोन हो रहा है रिंगिंग तो आप इसे कर सकते हो म्यूट। रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो ऐसे में और आप इसे कट भी कर सकते हो, हालांकि इसे रिसीव नहीं कर पाओगे। अगर आपको कॉल के फीचर को यूज करना हुआ तो फिर आपको इसे वापस ऑन करना है। अब कोई भी कॉल आएगा तो आप अपनी वॉच में रिसीव भी कर पाओगे और डायल भी कर पाओगे। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा। SMS आ चुका है, जब SMS आता है तो वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट। इसके अलावा इस तरीके से आपको मैसेज का प्रीव्यू शो करेगा, कौन से कॉन्टेक्ट आया हुआ है और क्या मैसेज है, टाइम और डेट। और आपको मिलेंगे नीचे 2 ऑप्शंस, रिप्लाई सेंड करने का और इसे डिलीट करने का। तो मैं यहां पे टैप करके
रिप्लाई भी सेंड कर सकता हूं जो आपने सेट किए हैं। टैप कीजिए और सामने वाले को जो रिप्लाई आपका रिसीव हो जाएगा। और अगर आपने अपने मैसेज को देखना मिस कर दिया तो आपको फिर जाना है नोटिफिकेशन सेंटर में, स्वाइप डाउन कीजिए और ये है वो मैसेज जो आपने रिसीव किए हैं। आप टैप करके उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से और यहां से डिलीट भी कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप आने पर भी जो डिस्प्ले है इसका ऑन हो जाता है और वॉच होती है वाइब्रेट। आप इस तरीके से उस मैसेज को रीड कर सकते हो। पूरा मैसेज शो नहीं करेगा, 7 से 8 लाइन शो करती है। हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। और आप अपने एक साथ लास्ट वाले 10 मैसेज को रीड कर सकते हो यहां पे। और अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना हुआ तो आप नीचे मिलेगा आपको ऑप्शन क्लियर ऑल का, यहां से कर सकते हो सभी को क्लियर वन टैप में। आगे है हेल्थ मॉनिटर, इस पर टैप कीजिए। सबसे पहले है हार्ट रेट, इस पर टैप कीजिए। यहां पे आपको मिलेगा पहला ऑप्शन ऑटो एचआर का, मतलब कि आप अपनी वॉच में अगर ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजरमेंट को ऑन करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर होता रहेगा। और आप एचआर के लिए अलर्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने सेट किया है यहां पे 140, तो मेरा हार्ट रेट अगर 140 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे आएगा अपनी वॉच में एक अलर्ट कि जो मेरा हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है। लेकिन मैं इसे ऑन नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन रखूंगा तो मेरी वॉच में एक दिन में 288 टाइम्स हार्ट रेट मेजर होगा और इससे बैटरी काफी ज्यादा यूज होगी। इसलिए अगर आपको बैटरी को सेव करना है, अगर आप चाहते हो अच्छा बैटरी बैकअप, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है रैपिड आई मूवमेंट, जिसे हम रैम भी कहते हैं। ये मेजर होता है सोने के दौरान। तो जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहां से वहां, उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है स्लीप डेटा में। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। अब आपके स्लीप डेटा में रैपिड आई मूवमेंट भी शो करेगा। आगे है ड्रिंक वाटर, मतलब कि पानी पीने का रिमाइंडर। तो आप यहां से सेट कर सकते हो, आपको इसे करना है ऑन। इसके बाद एडिट पर टैप कीजिए। फ्रीक्वेंसी, मतलब कि हर कितने टाइम के बाद आपको पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए। तो मैं सेट करूंगा यहां पे 2 आवर, हर 2 घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर मुझे आएगा मेरी वॉच में। और जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम है आप उसे भी सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहां पे सेट किया है सुबह के 9 से लेकर रात के 11 बजे तक, तो सुबह के 9 से लेकर रात के 11 बजे तक मुझे हर 2 घंटे पानी पीने का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। फिर आपको करना है सेव पे टैप। हैंड वॉश रिमाइंडर का भी फीचर दिया गया है, तो आप जो हाथ धोने का रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो, आपको इसे ऑन करना है। एडिट पे टैप कीजिए। हर कितने घंटे बाद आपको ये हैंड वॉश रिमाइंडर चाहिए, तो आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी अपने हिसाब से। मैं चाहूंगा 2 घंटे। स्टार्ट टाइम एंड टाइम सेट कीजिए, हैंड वॉश का रिमाइंडर आएगा मेरी वॉच में। फिर आपको करना है सेव पे टैप। और एंड में है आइडल अलर्ट, मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली 1 घंटे के दौरान, ना आप चले ना उठे ना आपने कोई मूवमेंट किया, तो आपको आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में कि आपको अब चलना चाहिए उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद एडिट पर टैप कीजिए। फ्रीक्वेंसी आपको 1 आवर ही रखनी है, हालांकि आप जो स्टार्ट टाइम एंड टाइम है उसे सेट कर सकते हो। मान लो मैंने किया है 9 to 9, मतलब कि सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बजे तक हर घंटे अगर मैं कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करूंगा तो मुझे आएगा एक अलर्ट मेरी वॉच में। आगे है माय अलार्म्स, तो आप एक साथ 5 अलार्म्स को यहां पे ऐड करके रख सकते हो। जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो आपको ऐड अलार्म पे टैप करना है। टाइम सेट कीजिए, आवर मिनट एएम पीएम। डे को चूज कीजिए, ब्लू आउटलाइन के साथ जो डे है उस दिन को अलार्म प्ले होगा। फिर आपको सेव पे टैप करना है। वापस ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से किसी को भी रिमूव करना हुआ तो आपको क्रॉस के बटन पे टैप करना है इसे रिमूव करने के लिए, और सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। आगे है गूगल फिट, तो आपका जो भी डेटा है इस ऐप में अगर आपको उससे सिंक करना हुआ आपके गूगल अकाउंट के साथ तो आपको इसे करना है ऑन। ऑन करने के बाद इस ऐप में आपका जो भी डेटा है, जैसे कि स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी, स्लिप डेटा, तो आप उस डेटा को गूगल फिट में भी देख पाओगे। तो आप अगर ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। दोनों ऐप में आपका डेटा सिंक रहेगा।
आगे है माय कॉन्टैक्ट्स, तो ये है एक कॉलिंग वॉच और आप इसमें सेव कर सकते हो एक साथ 10 कॉन्टैक्ट्स। तो आपको माय कॉन्टैक्ट्स पे टैप करना है, ऐड पे टैप कीजिए। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको उस कॉन्टैक्ट के सामने जो बॉक्स है उसमें टिक करनी है। तो मैं इससे 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लेता हूं। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। जिस ऑर्डर में ये कॉन्टैक्ट्स आपको शो कर रहे हैं यहां पे सेम उसी ऑर्डर में आपको अपनी वॉच में भी शो करेंगे। आप चाहो तो इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो, उसके लिए आपको इस आइकन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करके दूसरा ऐड करना है तो क्रॉस के साइन पे टैप करके आप फिर वापस ऐड कर सकते हो। इसे सेव करने के लिए कीजिए सेव पे टैप। जो भी कॉन्टैक्ट्स अब यहां पे शो कर रहे हैं वो सभी कॉन्टैक्ट्स आप देख पाओगे अपनी वॉच में भी। आगे है क्विक रिप्लाई। तो आप अपनी वॉच में SMS और कॉल के लिए क्विक रिप्लाई के फीचर को यूज कर पाओगे। तो आपको इस पर टैप करना है। आप एक साथ 5 क्विक रिप्लाई को ऐड कर सकते हो इसमें। तो आपको ऐड रिप्लाई पे टैप करना है। टाइप कीजिए आपको कोई भी रिप्लाई, सेव पे टैप कीजिए। फिर से ऐड करना है तो ऐड पे टैप कीजिए, सेव पे टैप कीजिए। इस तरीके से आपको कोई भी 5 क्विक रिप्लाई अपने हिसाब से ऐड कर लेना है। तो मैंने 5 क्विक रिप्लाई को ऐड कर लिया है। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ तो आप इस आइकन पे टैप करके ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे करने के लिए। इसके अलावा आप चाहो तो इनमें से किसी को रिमूव कर सकते हो क्रॉस के साइन पे टैप करके और ऐड भी कर सकते हो। आप मैक्सिमम 5 ही कर सकते हो ऐड, और जो भी आप इसमें ऐड करोगे आप देख पाओगे कॉल और SMS में भी। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है वेदर सेटिंग्स। तो आप अपनी वॉच में अगर वेदर इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आपको इसे करना है ऑन। आपके लोकेशन के हिसाब से वेदर शो करेगा आपकी वॉच में, और जो टेम्परेचर यूनिट है आपको सेल्सियस ही रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड क्लॉक। तो आप दुनिया के अलग अलग 5 सिटीज को ऐड कर सकते हो उनके टाइम को चेक करने के लिए। तो आपको इस पर टैप करना है, ऐड क्लॉक्स पर टैप कीजिए, सिटी को सर्च कीजिए, जैसे टोक्यो वापस ऐड करना है तो ऐड कीजिए, लंदन। तो मैंने 5 सिटीज को ऐड कर लिया है। आप यहां से उन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो, यहां से रिमूव भी कर सकते हो, और फिर आपको सेव करने के लिए करना है सेव पे टैप। आगे है फाइंड माय डिवाइस। तो आप इस फीचर के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपनी वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, और अगर आपकी वॉच 10 मीटर के रेंज में है तो आप अपनी वॉच को ढूंढ पाओगे। आपको इस पर टैप करना है। जैसे मैं सर्च पर टैप करूंगा तो वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और वॉच करेगी वाइब्रेट, और ऐसा चलता रहेगा, ये बार बार होता रहेगा जब तक कि आप इसे स्टॉप नहीं करते तब तक। आगे है कैमरा शटर। तो जैसे मैं इस पर टैप करूंगा अलाउ, तो आपकी वॉच में ओपन होगा कैमरा शटर। आपको शेक करना है, शेक करके आप अपने फोन के कैमरा से फोटो कैप्चर कर सकते हो। आगे है स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन। तो इसमें आपको मिलेंगे 10 स्पोर्ट्स मोड। आप एक साथ अपनी वॉच में 10 स्पोर्ट्स मोड को ही सेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां पे है आउटडोर वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल, आउटडोर साइकिलिंग, ये सभी जो है ये शो कर रहे हैं इसमें सेम टू सेम। हालांकि आप इन्हें चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। आपको क्या करना है, एडिट पे टैप करना है। इनमें से अगर आपको किसी को निकालना हुआ तो आपको क्रॉस के साइन पे टैप करके उसे निकाल देना है। जैसे मैं चाहता हूं इसे निकाल देना, मिक्स्ड एरोबिक्स को भी निकाल देना। अगर आपको फिर ऐड करना है किसी को तो फिर ऐड पे टैप कीजिए, और नीचे आपको मिलेंगे अलग अलग वर्कआउट मोड। आपको मान लो ऐड करना है क्रिकेट तो मैं करूंगा क्रिकेट, और इसके अलावा टेनिस अगर होगा तो उसे भी मैं ऐड कर दूंगा। आप सर्च कर सकते हो यहां पे टेनिस। फिर इसके बाद आपको करना है सेव पे टैप। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी 10 स्पोर्ट्स मोड ऐड कर सकते हो। आप इन्हें ऊपर नीचे भी कर सकते हो इस तरीके से, और अगर आपको फिर सेव करना है तो सेव पे टैप कीजिए। जो आपने सेट किए यहां पे वही आपको शो करेंगे आपकी वॉच में भी। आगे है डिवाइस सेटिंग्स, और इसमें आपको मिलेगा ऑप्शन डिवाइस टाइम का। तो आप अपनी वॉच में टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो यहां से 3 तरीके से। एक होता है सिंक टाइम, आपके फोन में जो टाइम शो कर रहा है सेम वही टाइम आपकी वॉच में भी शो करेगा। या आप चाहो तो अपने हिसाब से यहां पे टाइम फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो 12 आवर या फिर 24 आवर। 12 आवर में टाइम को समझना आसान होता है, इसलिए मैं रखूंगा 12 आवर और करूंगा सेव। अब बात करते हैं होम पेज की। जैसे आप होम पेज पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा एक पॉपअप जिसमें लिखा होगा अलर्ट्स। तो आपको एरो पे टैप करना है
दोनों को रिमूव करना है और इसके बाद आपको करनी है दो चीजें। तो आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट एप्स में और फिर आपको इस आइकन पे टैप करना है। आपको मिलेगा ऑप्शन लॉक दिस ऐप, या आपके फोन में होगा लॉक का आइकन, आपको इस पे टैप करना है। लॉक का आइकन यहां पे शो करेगा मतलब कि ये जो ऐप है बैकग्राउंड में लॉक हो चुका है, अब ये बैकग्राउंड से कभी भी रिमूव नहीं होगा और आपको इसे बैकग्राउंड से रिमूव करना भी नहीं है। अगर आप इसे बैकग्राउंड से रिमूव करोगे तो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिसकनेक्ट होती रहेगी। इसके अलावा आपको उस आइकन पे टैप करके जाना है ऐप इन्फो में बैटरी में और आपको इसे सेट करना है पहले पे अनरिस्ट्रिक्टेड, इस पे टैप कीजिए। इससे क्या होगा, आपके वॉच में जो भी डेटा होगा उसका डेटा सिंक होगा रियल टाइम में आपके ऐप के साथ बिना किसी इशू के। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की, तो आपको इस थ्री बार पे टैप करना है। इस पे टैप करके, एडिट पे टैप करके आप अपनी प्रोफाइल फोटो को, अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एंड गेम आप यहां पे कोई भी सेट कर सकते हो। यहां पे मिलेंगे आपको चार ऑप्शंस, फिट प्ले, हेल्थ गोल्स, लाइफ स्टाइल, मैक्स प्रोडक्टिविटी। तो आप कोई भी सेट करिए, आपकी वॉच में ऐप में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो मैं करूंगा फिट प्ले और फिर करना है सेव पे टैप। इसके बाद आपकी हाइट, वेट और आप जो यूनिट है यहां से चेंज कर सकते हो। यूनिट आपको मिलेंगे दो ऑप्शंस, मेट्रिक और इंपीरियल। मेट्रिक मतलब आपका डिस्टेंस शो होगा मीटर या किलोमीटर में और इंपीरियल मतलब आपका डिस्टेंस शो होगा माइल्स में। हम इंडिया में यूज करते हैं मेट्रिक, तो हम करेंगे मेट्रिक और करेंगे सेव। और सभी डेटा को एक साथ सेव करने के लिए आपको करना है फिर सेव पे टैप। आगे है माय बैजेस, तो आप अगर कोई भी गोल अचीव करते हो, आपके स्टेप्स के गोल या डिस्टेंस के गोल, तो आपके गोल्स यहां पे शो करेंगे। इसके अलावा बाद में है माय बडीज, तो आपका कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर नॉइस फिट ऐप का यूज करता है तो आप उस फ्रेंड को इस ऐप में ऐड कर सकते हो एज अ बडी। तो आपको ऐड पे टैप करना है, जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको उसे टिक करना है और करना है ऐड। उसके बाद इनको जाएगी इन्विटेशन और अगर वो इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनका डेटा यहां पे देख पाओगे, जैसे कि उनके स्टेप्स, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, हार्ट रेट, SPO2, उनका डेटा आप देख पाओगे और आपका डेटा वो भी देख पाएंगे। और फिर है माय गोल्स, तो आप अपने जो डेली गोल्स है यहां से सेट कर सकते हो। आपको एडिट पे टैप करना है, आपको रोजाना कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न करनी है तो आप यहां से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। कितना डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हो एक दिन में, आपका स्टैंडिंग आवर कितना होना चाहिए, इसका मतलब होता है अगर आप एक घंटे में मिनिमम एक मिनट के लिए एक्टिविटी करोगे तो उसे कहते हैं 1 स्टैंडिंग आवर। तो आप यहां से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। और आप एक दिन में कितने स्टेप चलना चाहते हो तो आप सेट करिए अपने हिसाब से, फिर करिए सेव पे टैप। और अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में और अगर आपको वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आप डायरेक्टली कस्टमर सपोर्ट पे टैप करके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। आपको नीचे आना है और करना है, तो आपकी जो भी इशू है आपको लिख कर उन्हें सेंड करना है। आपकी जो इशू होगी 12 से 15 दिन में सोल्व की जाएगी। तो अब बात करते हैं हेल्थ और यू की, तो ये है आपका वाइटल्स और एक्टिविटी डेटा। सबसे पहले है आज का एक्टिविटी डेटा, तो आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और आपका स्टैंडिंग आवर टाइम कितना है। ये है आपका आज का स्टेप काउंट डेटा, तो आज आप कितने स्टेप चले हो आप यहाँ पे टैप करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आप कितने स्टेप चले थे। इसके अलावा आपका गोल कितना है, कितने परसेंट आपने अचीव किया है, ऐसा कौन सा दिन रहा है जिस दिन को आपने सबसे ज्यादा स्टेप चले थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे शो करेंगे स्टेप्स कंपेरिजन, पिछले दिन का और आज का, पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का, पिछले महीने का और इस महीने का। और ये है डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज और ईयर वाइज। अगर आपको डे को चेंज करके उस डे का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको डे पे टैप करके स्वाइप करना है डे को चेंज करने के लिए और उस डे का रिकॉर्ड चेक करने के लिए। आगे है डिस्टेंस डेटा और कैलोरी डेटा, हमने जैसे चेक किया स्टेप काउंट को सेम वैसे ही आप दोनों को चेक कर सकते हो, डिस्टेंस और किलो कैलोरी एनर्जी को। आगे है हार्ट रेट, तो अगर आपने अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर किया होगा तो उसका डेटा यहां पे शो करेगा। आपने लास्ट टाइम कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहां पे शो करता है, टैप करोगे तो ये है आज का डेटा, आज का मिनिमम मैक्सिमम HR कितना रहा है। इसके अलावा आज का एवरेज BPM, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका HR कौन से रेंज में था। आगे है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा। अगर आपकी वॉच आपके फोन के साथ
कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा आपकी वॉच में। तो अगर आपको इसे चेक करना है डिटेल में तो इस पर टैप कीजिए, आप कितने टाइम सोए टोटल, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस अलग अलग कलर के साथ यहाँ पे शो करेंगे, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, रेम टाइम, अवेक टाइम, और आप ग्राफ पे टैप करके चेक कर सकते हो ये स्लीप कौन सी थी और कितने टाइम के लिए थी। इसके अलावा अगर आपने ऑटो हार्ट रेट को ऑन रखा होगा तो सोने के दौरान आपका मिनिमम मैक्सिमम हार्ट रेट कितना रहा था यहाँ पे शो करता है, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस कितने टाइम के लिए और कितने परसेंट के लिए थे यहाँ पे शो करता है, वो कम थे, ज्यादा थे या मीडियम थे यहाँ पे वो भी शो करेगा, आपका स्लीप स्कोर, इस वीक में आपका एवरेज स्लीप ड्यूरेशन कितना रहा है और इस वीक में आपका एवरेज स्लीप स्कोर कितना रहा है यहाँ पे शो करता है। आगे है ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SpO2 नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए, तो अगर आपने अपनी वॉच में मेजर किया होगा SpO2 को तो यहाँ पे शो करेगा, लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है, टैप करोगे तो ये है आज का डेटा, आज आपका मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका SpO2 कितना था, ये है आपका नॉर्मल SpO2 लेवल। ये है स्ट्रेस मतलब कि तनाव, तो इसमें स्ट्रेस मेजरमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है वॉच में, तो अगर आपने कभी भी स्ट्रेस को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो यहाँ पे शो करेगा उसका रिजल्ट, तो लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है, टैप करोगे तो ये है आज का डेटा, आज आपका मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेस कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है, ग्राफ पे टैप करके आप चेक कर सकते हो कितने बजे के दौरान आपका स्ट्रेस लेवल कितना रहा था, आपका स्ट्रेस लेवल जोन कौन सा है और कितने परसेंट के लिए है यहाँ पे शो करता है। अगर आपका स्ट्रेस 60 के नीचे है मतलब कि आपको स्ट्रेस नहीं है, अगर आपका स्ट्रेस मेजरमेंट या लेवल 60 के ऊपर है मतलब कि आपको स्ट्रेस है, और आप स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी वॉच में जो ब्रेथ का ऑप्शन है उसका यूज कर सकते हो। आगे है रिसेंट वर्कआउट्स, तो आपकी वॉच में आपने कोई भी अगर वर्कआउट किया होगा तो यहाँ पे शो करेगा, लास्ट के 3 वर्कआउट यहाँ पे शो करेंगे, लेकिन अगर आपको देखना हुआ सभी वर्कआउट को एक साथ पहले से लेकर अब तक आपने कौन कौन से वर्कआउट किए हैं तो आपको व्यू ऑल पे टैप करना है, ये रहे वो सारे वर्कआउट, अगर आपको किसी भी वर्कआउट के बारे में डिटेल में जानना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। तो ये कौन सा वर्कआउट था, कौन सी डेट को, कितने बजे आपने किया था, कितने टाइम के लिए किया था, डिस्टेंस, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका एवरेज BPM, एवरेज पेस, पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, ये है मिनट और ये सेकंड, एवरेज स्पीड मतलब कि 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाओगे, एवरेज कैडेंस 1 मिनट में आप कितने स्टेप्स चलते हो, आपके स्टेप्स कितने थे टोटल इस वर्कआउट के दौरान, आपका हार्ट रेट मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा था इस वर्कआउट के दौरान, टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ था आप यहां पे देख सकते हो, और आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था आप यहां पे चेक कर सकते हो। आप इस डेटा को शेयर भी कर सकते हो, शेयर के आइकन पे टैप कीजिए, इस बैकग्राउंड फोटो को आप चेंज भी कर सकते हो इमेज पे टैप करके, अगर मुझे यहां पे इस फोटो को सेट करना हुआ तो मैं इस फोटो को सेट करूंगा, और आप इस डेटा के साथ इस फोटो को शेयर कर सकते हो या आप इसे सेव भी कर सकते हो अपने फोन में। दोस्तों ये था इस ऐप के बारे में, अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है 2 बटन्स ऊपर और नीचे, जो ऊपर वाली बटन है उसके है 4 फंक्शंस। मान लो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो आपको ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है डिस्प्ले को ऑन करने के लिए। अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आपने इस बटन पे प्रेस किया तो आप मेन मेनू को एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप तो आप इस बटन पे प्रेस करके बैक जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस आपकी वॉच को रिस्टार्ट करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए। रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। नीचे वाली बटन के है 2 फंक्शंस, तो आप अगर होम पेज पे हो ऐसे में आपने इस पे प्रेस किया तो आप डायरेक्टली वर्कआउट मोड को ओपन कर सकते हो इस तरीके से, ये है आपके वर्कआउट। और अगर आप इस नीचे वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो लास्ट टाइम आपने जो भी वर्कआउट किया था वो ओपन हो जाएगा, आपको 3 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, तो आप देखोगे जो आपने
लास्ट टाइम किया था वर्कआउट यहां पे ओपन हो जाएगा, फिर आप यहां से उसे स्टार्ट कर सकते हो। होम पेज पे होते हुए अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सेंटर, आप अपने जो मैसेज है यहां पे रीड कर सकते हो इस तरीके से। और होम पेज पे होते हुए अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, सबसे पहले शो करता है कनेक्शन स्टेटस। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड है तो ग्रीन में ये आइकन शो करेगा। बाद में है कॉलिंग के फीचर का टॉगल, तो अगर ये व्हाइट में मतलब कि कॉलिंग के फीचर का ऑप्शन ऑन है, अगर ये रेड में होता है मतलब कि कॉलिंग का फीचर ऑफ रखा गया है। बैटरी परसेंटेज, तो सबसे पहला जो टॉगल है इस कंट्रोल सेंटर में वो है इस वॉच को म्यूट करने का, मतलब अगर कोई भी कॉल आता है तो आपकी वॉच में रिंग बजेगी। अगर आप चाहते हो कि कॉल आने पर रिंग ना बजे, केवल वाइब्रेशन हो, तो आपको इसे ऑन करना है। अब साइलेंट मोड ऑन हो चुका है, मतलब कि आपकी वॉच में अगर कोई भी कॉल आएगा तो अब केवल वाइब्रेशन होगा, रिंग नहीं बजेगी। अगर आपको रिंग चाहिए तो आपको इसे ऑफ करना है। फिर ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो आप यहां से लेवल 5 तक ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। ब्राइटनेस इसकी काफी शानदार है, डिस्प्ले ब्राइट है और शार्प है, तो आप आउटडोर में भी काफी अच्छे से अपनी वॉच को यूज कर पाओगे। फिर आगे है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का टॉगल, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। आप देखोगे स्क्रीन जब ऑफ हो जाएगी तब मुझे मिलेगा यहां पे टाइम, और वो हमेशा के लिए ऑन ही रहेगा। तो आप एओडी को वन टैप में ऑन ऑफ कर सकते हो इस टॉगल के जरिए। तो आप देखोगे एओडी अब ऑन हो जाएगा। यह है एनालॉग स्टाइल, हालांकि आपको मिलेंगे दो स्टाइल, एनालॉग और डिजिटल। इसमें बैटरी परसेंटेज, डेट, डे और यहां पे स्टेप्स भी शो करते हैं, और दो हैंड्स आवर और मिनट के लिए। आगे डीएनडी, मतलब कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे, आपकी वॉच में कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा अगर आप इसे ऑन करोगे तो। आगे है बैटरी सेविंग मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी दो चीजें, आपकी वॉच में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी और जो ब्राइटनेस है वॉच में सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी। जैसे अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो आप देखोगे ब्राइटनेस एक लेवल पे सेट हो चुकी है। तो अगर आपको बैटरी को सेव करना है, अगर आपकी वॉच में बैटरी लेवल कम है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। आगे है फाइंड माई फोन, तो आप इस फीचर के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो आप इस टॉगल पे टैप करके अपने फोन में रिंग कर सकते हो। आपका फोन अगर साइलेंट मोड पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी, लेकिन आपकी वॉच और आपका फोन 10 मीटर के रेंज में होने चाहिए। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। आगे है फ्लैश लाइट, तो आप यहां से इस तरीके से टैप करके इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो, अंधेरे में काफी यूजफुल रहेगा। फिर ये है सेटिंग्स, जो देखेंगे हम बाद में। और लास्ट में आपको मिलेगा स्क्रीन को लॉक करने का फीचर, मतलब कि कभी कभी होता है ना कि एक्सीडेंटली टच हो जाते हैं वॉच में तो कोई भी फंक्शन या फीचर ऑन हो जाता है, तो अगर आप इसे प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हो। अगर मैं इसे लॉक करूंगा, टैप करूंगा इस पे, तो स्क्रीन जो है अब लॉक हो चुकी है, अब यहां पे कोई भी टच काम नहीं करेंगे, आप देख सकते हो बटन भी काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हो इस फीचर के जरिए। अगर फिर आपको अनलॉक करना हुआ तो ऊपर वाले बटन पे आपको 5 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है, इसके बाद जो स्क्रीन होगी वो अनलॉक हो जाएगी और आपके अब टचेस काम करेंगे इस तरीके से। तो अब बात करते हैं सेटिंग्स की, तो इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस, आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो माइनस प्लस के साइन पे टैप करके इस तरीके से। फिर है रिंगटोन वाइब्रेशन, तो सबसे पहले है वाइब्रेशन, जो आप वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है यहां से चेंज कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके, यह है लेवल 1, 2 और 3। अगर आपको ज्यादा वाइब्रेशन फील करना है अपनी कलाई पे तो आपको लेवल 3 पे रखना है। यह है साइलेंट मोड, आप यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, अगर ये ऑफ है मतलब कि रिंग बजेगी, अगर ये ऑन है मतलब कि कॉल आएगा तब रिंग नहीं बजेगी, केवल होगा वाइब्रेशन। फिर है रिस्ट अवेक, मतलब कि मान लो आपकी वॉच में अगर डिस्प्ले ऑफ होता है और अगर आप अपनी कलाई को ऊपर करोगे, मतलब कि वॉच को अगर आप ऊपर टिल्ट करोगे, डिस्प्ले उसका ऑन हो जाएगा, उसे कहते हैं रिस्ट अवेक या रिस्ट वेक का फीचर। जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले इसका ऑफ है, अगर मैं इसे टिल्ट करूंगा ऊपर की तरफ डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और ये काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है, हर समय ये वर्क करता है। तो आप इसे 3 तरीके से यूज कर सकते हो, तो सबसे पहला है ड्यूरेशन, टाइम के हिसाब से आपको इसे ऑन करना है,
टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा और एक्टिवेट 24/7। अगर आप इसे ऑन करोगे मतलब कि ये हमेशा वर्क करेगा ऑल द टाइम। और अगर आप नहीं यूज करना चाहते इसे तो आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो। मैं करूंगा इसे एक्टिवेट 24/7। आगे है ब्राइट स्क्रीन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। जैसे कि मान लो अब ये ऑफ हो चुका है, ठीक है, अब अगर ये ऑन हुआ तो कितने सेकंड के लिए ऑन रहेगा, तो आप यहां से टाइमर जो है उसे सेट कर सकते हो। अब मैंने सेट किया है 15 सेकंड, आप 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक, या आप चाहो तो ऑलवेज ब्राइट भी सेट कर सकते हो। अगर मैंने किया ऑलवेज ब्राइट तो डिस्प्ले अब इसका हमेशा के लिए ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा जब तक कि आप उसे मैन्युअली ऑफ नहीं करते, इसे तब तक ये ऑफ नहीं होगा। मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि आप किसी भी वॉच फेस को सेट करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी फोटो रखिए, कोई भी क्लॉक या कोई भी वॉच फेस सेट कीजिए, आपकी स्क्रीन अब ऑफ नहीं होगी, लेकिन इससे बैटरी ज्यादा यूज होगी और आपको हमेशा के लिए इसे ऐसे यूज नहीं करना है। इससे डिस्प्ले भी डैमेज हो सकता है। जब आपको शो ऑफ करना हुआ 1-2 घंटे के लिए तब आप इसका यूज कर सकते हो दिन में, लेकिन हमेशा के लिए आप ऐसा यूज मत करना। अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज करना ही है तो आप जो AOD का मोड है उसे यूज कर सकते हो, एनालॉग या डिजिटल। तो मेरे हिसाब से आपको इसे सेट करना चाहिए टाइमर को 15 सेकंड, ताकि आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी मिले। आगे है DND, तो आप यहां से भी इसे ऑन कर सकते हो। अगर ये ऑन होता है मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा, तो आप इसे यूज कर सकते हो 3 तरीके से। सबसे पहला होता है नॉर्मल मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब तक कि आप इस टॉगल को ऑफ नहीं करते तब तक DND मोड आपकी वॉच में ऑन ही रहेगा। या आप टाइम के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हो। तो आपको टाइम सेट करना है स्टार्ट टाइम एंड टाइम, जो टाइम आपने सेट किया है उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। या आप इसे ऑफ करके स्मार्ट DND का भी यूज कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट DND को ऑन करोगे तो जब भी आप अपनी वॉच को कलाई में से निकाल दोगे या जब आप सोते हो तब आपकी वॉच में DND ऑन हो जाएगा, मतलब कि सोने के दौरान आपको कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएगा और कोई भी साउंड या वाइब्रेशन नहीं होगा। आगे है मेनू व्यू। तो आप 2 तरीके से मेनू को शो कर सकते हो। एक तो होता है लिस्ट व्यू, जो ऐसे आपको शो करेगा, ये है लिस्ट व्यू वर्टिकली 1 by 1। हम करेंगे इसे ग्रिड में, तो अब इस तरीके से मेन मेनू शो करेगा नॉर्मली जो होता है नॉइस की वॉचेस में। आगे है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आप रनिंग या वॉकिंग करोगे तो आपकी वॉच में ऑटोमेटिकली रनिंग या वॉकिंग का वर्कआउट मोड स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि स्टार्ट होने से पहले आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको स्टार्ट करना है। अगर टिक पे टैप करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो ऑटोमेटिक सेट करना तो आप इसे ऑन कर सकते हो। आगे है अबाउट कॉल्स। तो कॉलिंग के फीचर को आपको कैसे यूज करना है यहां पे बताया गया है, आपको इसे रीड करने की जरूरत नहीं है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। आगे है डिवाइस इन्फो। तो यहां पे शो करेगा आपकी वॉच का नेम, मैक एड्रेस, वर्जन नंबर, मॉडल ID, इनपुट पावर, मतलब कि आप मैक्सिमम 5 वॉट के चार्जिंग स्पीड से ही चार्जिंग कर सकते हो। इसके अलावा इस वॉच का सीरियल नंबर यहां पे भी शो करता है। आगे है AOD, मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो आपको अगर इसे यूज करना हुआ तो आपको इसे ऑन करना है। ऑफ स्क्रीन डायल्स, मतलब कि आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, एक होता है पॉइंटर, तो ये इस तरीके से काम करेगा पॉइंटर। तो जब भी डिस्प्ले ऑफ होगा तो आपको पॉइंटर या एनालॉग जिसे कहते हैं वो क्लॉक यहां पे शो करेगी आपकी वॉच में हमेशा के लिए। और जो दूसरा है वो है डिजिटल, तो ये ऐसे शो करेगा क्लॉक इस तरीके से नंबर में। तो इसमें आपको टाइम, डेट और डे, और नीचे आपको शो करेंगे आपके स्टेप्स। हालांकि AOD का यूज करने पे बैटरी यूज होती है, 1 घंटे में 1% बैटरी ड्रेन होती है अगर आप AOD का यूज करोगे तो। आगे है QR कोड। तो इसके है 2 काम, एक तो आप इसे स्कैन करके अपने ऐप से पेयर कर सकते हो, या फिर आप इसे स्कैन करके नॉइस फिट ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो हमने पहले ही कर लिया है तो अब आपको इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है रिबूट, मतलब कि वॉच को रिस्टार्ट करने का ऑप्शन, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन, और इस वॉच के डेटा को रिसेट करने का ऑप्शन। बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको उसे एक्सेस करने के लिए ऊपर वाले बटन पे प्रेस करना है। ये है मेन मेनू, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले ऑप्शन नॉइस हेल्थ, और इसमें आपको मिलेगा एक्टिविटी सबसे पहले। तो ये है आपका आज का डेटा, आज आपने कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, आपका स्टैंडिंग आवर टाइम कितना है,
कितने स्टेप्स आप चले हो, इसके अलावा आपके ग्राफ यहाँ पे शो करेंगे कैलोरी, स्टेप्स और स्टैंडिंग आवर टाइम के। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप यहाँ से मेजर कर सकते हो हार्ट रेट को। तो आज आपने अगर मेजर किया होगा तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है, और जो भी आएगा रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। फिर है SpO2, मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन, यहां से आप मेजर कर सकते हो। अगर आपने आज मेजर किया होगा तो आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है यहां पे शो करता है, अभी जो आएगा आपका रिजल्ट नीचे शो करेगा। फिर है स्लीप डेटा, तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉच में, तो शो करेगा आपका स्लीप स्कोर, आप कितने घंटे सोए हो टोटल। इसके अलावा आपके अलग अलग स्लीप स्टेज का ग्राफ अलग अलग कलर के साथ, कितने बजे आप सोए थे, कितने बजे आप जागे, स्लीप स्टेज का ड्यूरेशन टाइम वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर है ब्रेथ, तो आप यहाँ से ब्रीदिंग वर्कआउट कर सकते हो, आपको टाइम सेट करना है 1, 2 या 3 मिनट। इसके बाद आप जो स्पीड है उसे भी सेट कर सकते हो, फास्ट, मॉडरेट या स्लो। फिर इसके बाद आपको करना है स्टार्ट, जैसे सर्कल छोटा होता है बड़ा होता है उस तरीके से आपको सांस लेनी है छोड़नी है। वाइब्रेशन भी होता रहेगा, तो आपको गाइडेड ब्रीदिंग करना है जितना आपने टाइम सेट किया है उतने टाइम के लिए। और जब आप इसे एंड करोगे, मतलब जब टाइम हो जाएगा, तब एंड में आपको शो करेगा कि आपका हार्ट रेट कितना रहा था। एंड करने के लिए स्टॉप कीजिए, बैक जाइए। बैक जाने के लिए इसमें आप जेस्चर का यूज भी कर सकते हो, तो मान लो आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको बैक जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको स्वाइप राइट करना है इस तरीके से बैक जाने के लिए। इसमें अच्छी बात यह है कि इस वॉच में अगर AOD ऑन भी रहता है, फिर भी जो वेक जेस्चर है, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर वर्क करता है, आप देख सकते हो। और एंड में है स्ट्रेस, मतलब कि तनाव, तो आप अपने तनाव को यहां से मेजर कर सकते हो, टैप कीजिए। और अगर आपने मेजर किया होगा तो उसका ग्राफ शो करेगा टाइम और स्ट्रेस लेवल का, और आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, और अभी जो आएगा उसका रिजल्ट यहां पे शो करेगा। आगे है नॉइस बज, मतलब कि कॉलिंग के फीचर को यूज करने का ऑप्शन, तो इस पर टैप कीजिए, आपको मिलेंगे 3 ऑप्शन। जो भी आपने कॉन्टैक्ट्स ऐड किए, 10 कॉन्टैक्ट्स आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में, आप इन्हें इस तरीके से देख सकते हो। अगर आपको किसी को भी कॉल करना हुआ तो बस आपको उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए, और जब भी आप कॉल करोगे तो आपको मिलेंगे यहां पे 3 ऑप्शंस। ये है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, अगर मैंने इसे म्यूट कर दिया मतलब कि सामने वाले को मेरी आवाज नहीं जाएगी। और ये है वॉल्यूम को एडजस्ट करने का, तो आप यहां से वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके कॉलिंग के दौरान। और ये है कट करने का ऑप्शन। और अगर आपको कॉल को स्विच करना हुआ अपने फोन पे, कॉल अभी चल रहा है वॉच में, अगर आपको इसे स्विच करना है फोन में, तो ऊपर वाले बटन पे प्रेस कीजिए, कॉल अब स्विच हो चुका है फोन में, अब यहां पे कॉल रिसीव नहीं होगा। लेकिन अगर आपको वापस स्विच करना हुआ तो आपको फोन से ही करना पड़ेगा इस बी पे टैप करके, लेकिन आप वापस स्विच नहीं कर पाओगे अपनी वॉच पे, आपको कट करना पड़ेगा वो भी अपने फोन से ही। और जो भी आप कॉल करोगे, मतलब कि आपके जो भी इनकमिंग, आउटगोइंग और जो भी मिस कॉल्स होंगे शो करेंगे कॉल हिस्ट्री में यहां पे, और आप पिछले 10 कॉल्स को देख पाओगे यहां पे एक साथ। अगर आपको वापस इसे कॉल करना हुआ तो बस उस पर टैप कीजिए वापस कॉल करने के लिए। और फिर है डायल पैड, तो आप किसी भी नंबर को डायल कर सकते हो यहां से, तो डायल करना काफी आसान है और किसी भी नंबर को आप कॉल कर सकते हो अपनी वॉच से ही। आगे है क्लॉक, इसमें आपको मिलेगा सबसे पहला ऑप्शन अलार्म का, जो भी अलार्म्स आपने ऐड किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, आप उसे ऑन ऑफ भी कर सकते हो टैप करके, आप उसे चेंज भी कर सकते हो, टाइम को चेंज करिए, डे को चेंज करिए, या फिर आप यही से उसे डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको ऐड करना हो तो आप ऐड भी कर सकते हो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट, AM PM। AM PM के लिए आपको 12 के बाद जाना है, 12 के बाद जाइए, PM हो जाएगा, 12 से पहले AM हो जाएगा, सेट कीजिए, डे को चूज कीजिए, फिर टिक पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप अलार्म को ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 अलार्म यहां पे शो करेंगे। और आप अलार्म को स्नूज भी कर सकते हो, जब भी अलार्म आएगा तो आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन, एंड करने का और स्नूज करने का। हालांकि अलार्म आने के दौरान आपको कोई भी साउंड नहीं आएगा, केवल आएगा वाइब्रेशन। स्नूज करोगे तो अलार्म वापस 10 मिनट के बाद प्ले होगा। आगे टाइमर, तो यहां पे आपको मिलेंगे अलग अलग
प्रीसेट्स टाइमर के, हालांकि आप अपने हिसाब से भी स्टार्ट कर सकते हो। कस्टम पे टैप कीजिए, आप मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 24 आवर का टाइमर आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। हालांकि टाइमर स्टार्ट करने के बाद आपको यहीं पे रहना पड़ेगा, अगर आप बैक जाओगे तो टाइमर ऑफ हो जाएगा अपने आप। इसके बाद है स्टॉपवॉच, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। लैप देने का ऑप्शन है, मैक्सिमम 50 लैप्स आप दे सकते हो, और ये भी बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा, आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में ये काम नहीं करता। आगे है वर्ल्ड क्लॉक, तो जो भी हमने 5 सिटीज को ऐड किया है हमारे ऐप में यहाँ पे शो करेंगे, तो वो सिटी, डेट, डे और टाइम शो करेगा, तो आप इस तरीके से अलग अलग शहरों का टाइम चेक कर सकते हो यहाँ पे। आगे है पोमोडोरो, तो ये एक टेक्निक है काम पे फोकस करने के लिए। इसमें क्या होता है, हमें पहले एक टाइमर सेट करना पड़ता है। मान लो मैंने यहाँ पे टाइमर सेट किया है 25 मिनट का, तो अब जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे जब तक ये टाइमर खत्म नहीं होता तब तक। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा, फिर वापस 25 मिनट का टाइमर ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वापस 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद वापस 25 मिनट का ये टाइमर, वापस 5 मिनट का ब्रेक, इस तरीके से होगा 4 बार, और फिर लास्ट वाला ब्रेक रहेगा 15 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आप किसी भी काम पे फोकस करना चाहते हो, अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए तब आप इसका यूज कर सकते हो। इसे आप जब चाहे तब एंड भी कर सकते हो इस तरीके से। आगे है वर्कआउट, तो आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप नीचे वाले बटन पे प्रेस करके भी डायरेक्टली वर्कआउट मोड को स्टार्ट कर सकते हो। जो भी आपने 10 वर्कआउट को सेट किया है ऐप में यहां पे शो करेंगे। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है, जैसे कि मैंने किया है ट्रेडमिल के लिए, तो यहां पे सेटिंग्स पे टैप करके आप कर सकते हो स्टार्ट। तो यहां पे शो करेगा कि कितना टाइम हुआ है, स्वाइप अप करोगे तो आपका हार्ट रेट, किलो कैलोरी एनर्जी, डिस्टेंस आपने कितना कवर किया है, और ये है आपकी स्पीड। अगर आप स्वाइप करोगे ऐसे लेफ्ट में तो ये है म्यूजिक कंट्रोल, टैप कीजिए, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, म्यूजिक प्ले हो रहा है आपके फोन में, वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है, मैं केवल म्यूजिक को कंट्रोल कर रहा हूं अपनी वॉच के जरिए, प्ले हो रहा है फोन में। लेकिन ये फीचर आपकी वॉच में काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपके फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है, उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल काम करने लगेगा। आप म्यूजिक को अपनी वॉच में प्ले नहीं कर सकते, म्यूजिक प्ले होगा केवल फोन में ही। और इसे एंड करने के लिए आपको प्रेस करना है इस पे, आप इसे रिज्यूम भी कर सकते हो या फिर इसे एंड भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो जाए ऐप में और वॉच में, तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, और जो भी आप वर्कआउट करोगे आपकी वॉच में उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ तो आपको स्पोर्ट रिकॉर्ड पे टैप करना है, ये रहे वो वर्कआउट जो आपने किए थे, अगर आपको उसे डिटेल में चेक करना हुआ तो आपको टैप करना है। तो आपको यहाँ पे शो करेगा टाइमर, डिस्टेंस, कैलोरी, स्टेप्स, स्पीड, आपका एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम हार्ट रेट, इसके अलावा आपका हार्ट रेट कौन से जोन में कितने टाइम के लिए था यहाँ पे शो करता है। एक बात बताना मैं भूल गया कि जो भी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे शो करती है आप उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। जब नए कॉल्स आप करोगे तो ऊपर में शो करेंगे और पुराने नीचे से अपने आप रिमूव होते जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पे एक साथ 10 ही कॉल्स शो करेंगे। आगे है रिमाइंडर्स, तो जो भी रिमाइंडर्स आपने ऐड किए हैं आपके ऐप में यहाँ पे शो करेंगे। हमने ऐड किया था एनिवर्सरी और बर्थडे का, तो ये शो कर रहा है इस तरीके से। आप चाहो तो उस पर टैप करके उससे क्लियर भी कर सकते हो, और जो भी रिमाइंडर हो चुका है कंप्लीट उस पर टिक ऐसी शो होगी। अगर आपको उसे यहां से क्लियर करना हुआ तो टिक पे टैप कीजिए, तो यहां से अब क्लियर हो जाएगा, अब शो करेगा केवल एक ही। आगे है म्यूजिक, जो हम देख चुके हैं। फिर आगे है वेदर इंफॉर्मेशन, तो अभी फिलहाल वेदर कितना है, कैसा है आज का मिनिमम मैक्सिमम, और आने वाले अगले 4 दिन का मिनिमम मैक्सिमम वेदर फोरकास्ट यहां पे शो करता है। फिर है वॉच फेसेस, तो आप यहां से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो स्वाइप करके। मैक्सिमम आप एक साथ 4 ही सेट कर सकते हो, आपको अगर इसे सेट करना है तो उस पर टैप कीजिए, वो सेट हो जाएगा। आप
होम पेज पे लॉन्ग टैप करके भी वॉचफेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद है फ्लैश लाइट जो हम देख चुके हैं, यहां से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और फिर लास्ट में है सेटिंग्स, ये भी हम देख चुके हैं पहले ही। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स और विजेट्स की, तो आपको स्वाइप करना है लेफ्ट में। सबसे पहले हार्ट रेट जो हम देख चुके हैं, फिर है ब्लड ऑक्सीजन, इसके बाद स्लीप डेटा, स्ट्रेस लेवल, विजेट्स, और यहां पे आपको मिलेंगे सारे विजेट्स एक एक करके, जैसे कि एक्टिविटी, अलार्म, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, स्लीप, ब्रेथ, वेदर, वर्ल्ड क्लॉक, और आप उन पर टैप करके उन्हें ओपन भी कर सकते हो इस तरीके से डिटेल में चेक करने के लिए। तो आपको इसे एक्सेस करना हुआ तो बस आपको स्वाइप राइट करना है और ये रहेंगे सारे विजेट्स यहां पे आप देख पाओगे दोस्तों। तो ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में, और ये था नॉइस फिट इवॉल्व 3 का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।